प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। दोस्तों, भजन संहिता 23 में इस प्रकार से लिखा है, 1 और 2 वचन में, कि यहोवा मेरा चरवा है। भजनकार परमेश्वर यहोवा को अपना चरवाह बताता है। तो दोस्तों, ये चरवा कौन होता है? दोस्तों, चरवा वो होता है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उन्हें ऐसी जगह लेके जाता है जहां हरी हरी घास होती है। वो उन्हें ऐसी जगह लेके जाता है जहां पर पानी की भरपूरी होती है, ताकि वो घास को खा करके और पानी को पी करके तृप्त हो सके। चरवा अपनी भेड़ों को जानता है, उन्हें पहचानता है और चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे सकता है। मेरे प्रियो, और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु हमारा चरवा है और हम उसकी भेड़े हैं। और यीशु मसीह हमारा चरवा है और वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक चरवाहा भेड़ों के लिए काम करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए, यानी कि अपने लोगों के लिए काम करता है। वो अपने लोगों की देखभाल करता है, अपने लोगों की रखवाली करता है। उसने अपने लोगों के लिए अपने प्राण दिए, अपने लोगों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, ताकि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी न रहे। दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमियां हैं, तो यीशु मसीह को अपना चरवाह बना लीजिए, अपने जीवन का प्रभु बना लीजिए, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, ताकि वो आपके जीवन की रखवाली करे, ताकि वो आपके जीवन की देखभाल करे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। परंतु मेरे दोस्तों, भेड़ों का भी एक काम है। भेड़ों का काम है कि वो अपने चरवाह की आवाज को सुनते हैं, उसे पहचानते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसकी बातों, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। तभी चरवाह उनको उन उत्तम पदार्थों से तृप्त कर पाता है। तभी चरवाह भेड़ों को वहां तक ले जा सकता है जहां पर हरी हरी घास और पानी हो, जब भेड़ें उसकी आवाज सुनेंगी और उसके पीछे चलेंगी। दोस्तों, आज अपने जीवन में यह निर्णय लें, प्रभु यीशु मसीह को आज अपना चरवाह बना दें। प्रभु यीशु मसीह को आप अपना जीवन दे दें, अपने जीवन का प्रभु प्रभु यीशु मसीह को आज बनाएं। वो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आपके चरवाह हो जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आज सुबह में प्रभु, क्योंकि आप हमारे चरवाह हैं प्रभु, और आप हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होने देते हैं प्रभु। आप प्रभु यहोवा ईरे हैं प्रभु, आप समय समय पर हम सब लोगों के लिए उपाय करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो ये प्रार्थना को सुन रहे हैं आज सुबह में प्रभु, तुझसे प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन में जो भी घटी कमियां हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाएं प्रभु, उन्हें वो हियाव दे, ताकि वो तेरे पीछे चल सके प्रभु, तुझे अपना जीवन का प्रभु बना सके। जो भी घटी कमियां पाई जाती हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवनों से चली जाएं, जीसस नेम। धन्यवाद के साथ प्रभु, इस पूरे सुबह को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु हम इनके जीवन में प्रभु आशीष को बोलते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।